हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञास कॉर्नर। तो आज मैं आपके लिए बच्चों के कान का जो मैल सूख जाता है उसको आपको कैसे निकालना चाहिए, जिससे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कैसे आप इजली निकाल सकते हैं। जब छोटा बच्चा होता है बर्थ के बाद से ही हमारे यहाँ क्या नियम है कि जब बच्चे को मालिश करते हैं, आप 2 टाइम्स मालिश करिए या 1 टाइम्स करिए, तो मालिश के टाइम में ही उसके कान में कड़वा तेल 2 या 3 बूंद ज़रूर डाला जाता है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर करते रहे होंगे, आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे भी हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कान में तेल डलवाना नहीं पसंद करते हैं और बिल्कुल भी नहीं डलवाते हैं। मेरा बच्चा भी है, वो बिल्कुल नहीं डलवाता है कान में तेल। तो आपको क्या करना है, अगर आपके आपका छोटा बच्चा है या बड़ा हो गया, अगर आपका बच्चा 1 मंथ के ऊपर है या 1 मंथ का है या फिर 1 मंथ के बाद किसी भी एज का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का है, जितने भी एज का है, अगर उसके कान में जो ये मैल होता है सूख गया है और वो आप नहीं निकाल पा रहे हो, बच्चे को खुजली हो रही, क्योंकि जब वो कान में मैल सूख जाता है और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे उसको खुजलाते हैं और खुजलाने के चक्कर में जैसे उनके नेल्स वगैरह बड़े होते हैं तो चोट भी लग जाती है, तो उसको आप कैसे निकालो इजली। मस्टर्ड ऑयल ही आपको लेना है। मस्टर्ड ऑयल आपको 2 से 3 बूंद कान में डालिए, यानी 2 से 3 बूंद एक कान में, 2 से 3 बूंद एक कान में, दोनों में ऐसे डाल दीजिए। यानी कि जैसे अगर आज आपने मॉर्निंग में डाला है तेल तो शाम को निकालिए या फिर अगले दिन मॉर्निंग में उसका कान साफ करिए। ईयरबड्स आते हैं बच्चों के, जॉनसन्स के, तो वैसे भी ईयरबड्स काफ़ी आते हैं, लेकिन जो बच्चों का ईयरबड्स होता है वो जॉनसन्स का आता है, बहुत अच्छा रहता है, वो एकदम पतला सा होता है क्योंकि बाकी मोटे से आते हैं, तो जॉनसन्स का ईयरबड्स ही आप यूज करें बच्चों के लिए, वो एकदम लाइट, एकदम पतला सा होता है। उसके बाद आप बच्चे के आराम से अपनी गोद में लिटा के मोबाइल या किसी भी चीज़ से रोशनी डाल के, जिससे टार्च टाइप का कुछ भी आप लेके उसके कान में प्रकाश किसी और से डलवाइए या खुद से ऐसे करके, फिर आप उसको मैल को निकालिए। तो वो जब हम उसके बच्चे के कान में तेल डाल देते हैं तो वो मैल बहुत अच्छे से भीग के फूल जाता है और वो ऊपर की तरफ आने लगता है, और इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसको निकाल पाते हैं, बच्चे को चोट भी नहीं लगती है। और अगर वो मैल सूखा हुआ होता है तो बच्चे को आप जब भी निकालेंगे तो उसको चोट भी लगेगी, प्लस आप निकाल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा कभी भी अगर आपके बच्चे का कान खुजला रहा है, उसको साफ़ सफाई करनी है, तो आप यही तरीका अपनाएं। आप एक दिन पहले मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को नहीं, सूरज ढलने के बाद कान में तेल नहीं डालना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं। तो आप मॉर्निंग में या दोपहर में किसी भी टाइम बच्चे के कान में तेल डाल दीजिए, उसके बाद अगले दिन आप कान को साफ करिए, तो वो आराम से मैल निकल जाएगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आपके बच्चे को या किसी के भी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा यही ट्रिक यूज करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।